नमस्कार, सुप्रभात। मैं दीपक सिरसवाल, ग्राम अंदरपा गैरसैंण चमोली से। दोस्तों, तुलसीदास जी की एक उक्ति है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। मैं आज आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि अगर इंसान करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। हमारे गांव में जो ये आप देख रहे हैं, ये लगभग 200 साल पुरानी एक तिबारी है, जो कि पहाड़ों में परंपरागत रूप से बने हुए मकान हैं। और यहाँ पर ही हमारे एक भ्राता श्री कुंदन प्रधान जी हैं, जो कि अपनी काष्ठ कला के लिए इस पूरे ग्राम सभा में प्रसिद्ध हैं। और इनके बनाए हुए काफ़ी कलाकृतियाँ, लकड़ी शिल्प कला बहुत ही मशहूर है। आप जैसे कि इस खोली पर देख सकते हैं कि इस पे कितनी महीन कलाकारी इस लकड़ी पे की हुई है, और इसके भी यह जानकार हैं। मैं आपको लिए चलता हूँ सीधा उनके पास और उनके बनाए हुए कलाकृतियों के साथ। ये इस समय हमारे गांव में बांस चूंकि पहले नहीं होता था, इस समय बांस गर्मियों के बढ़ते प्रभाव की वजह से यहाँ पर बांस उत्पादन हो रहा है। और ये देखिए, अभी ये बांस से निर्मित एक कुर्सी यहाँ पर निर्माणाधीन है, आसन। और इसके साथ ही प्राचीन पारंपरिक खेती योग्य कई कृषि यंत्र, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये इन्होंने स्वयं बनाया है। और इसके साथ ही हल हैं, दनियाला है, ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के हमारे पहाड़ों में परंपरागत हल होते हैं, उसका एक शानदार नमूना। और ये जो भी इन्होंने सीखा है, ये स्वयं की मेहनत से ये तैयार करते हैं। कोई इनका एक इस क्षेत्र में कोई गुरु विशेष नहीं रहा है जो कि इन्हें इस संबंध में जिन्होंने ट्रेनिंग दी हो, ये स्वयं की सीख से। ये देखिए, ये कितनी इसमें जबरदस्त कलाकारी होती है। ये दनियाला है, आप इसको एक बार बड़े गौर से देखेंगे, ये देखिए इसमें 6 होल होते हैं और कई बारीक कलाकारी इसमें होती है, ये देखिए। और इसके साथ ही ये एक और है, इस प्रकार की परंपरागत जो हमारे कृषि योग्य जो काष्ठ यंत्र हैं, उनका ये निर्माण करते हैं। ये हल है जैसा मैंने बताया, और भी बहुत सारे इनके पास बनाए हुए अपने हाथ के मटेरियल हैं। और अब हम सीधा आपको उनके पास लिए चलते हैं कि ये आपने किससे और कहां से सीखा। जी भाई साहब, ये कैसे आप बनाते हैं और क्या? ये लकड़ी जो है भाई साहब, ये खैरो बोलते हैं, दूधातोली में मिलता है खैरो। तो किसी बंदे से उसने जो है रिजेक्ट फेंका था, ये बोला किसी काम का नहीं है। तो मैंने कहा ये हमें दे दो आप इसे, तो मैं इसमें कुछ करना चाहता हूँ। तो आके फिर मैं अपना खुद का विवेक लगाया, चंदा जो काफ़ी मजबूत लकड़ी है जिसे मैंने बनाया है, ये देख सकते हो आप। ये फर्स्ट मैंने जब ख़रीदा था मार्केट से, तो मेरे को 100 रुपये का जो है कि खाली ये रंधे का ये गुटका मिला था, तो मैं इसे खुद बनाया है मैंने। जैसा कि आपने सुना कि वेस्ट लकड़ियां जो कि जंगलों में हैं, उसके बाद उन वेस्ट लकड़ियों पर कलाकारी करते हैं और उसको बेच करके अपनी आजीविका चला रहे हैं। ये देखिए आप, तो भाई हम में हुनर बहुत है, लेकिन क्या करें, हमें कहीं से भी किसी शहर से जो है कि कहीं मदद नहीं मिलती है भाई। ये बांस मेरे पास अवेलेबल था, हमने यहाँ पे इसे अपने घर पे लगाया था मैंने बांस को, तो जो बांस हुआ है और ये बर्फ जब गिरती है तो उसके बाद जो है कि इसकी लंबाई कुछ ज़्यादा होती है, तो बर्फ़ गिरने की वजह से टूट चुके थे, तो सारे बेकार जा रहे थे। तो मैंने इसे देखा परखा, फिर मैंने इस पर थोड़ा सा फोकस रखा कि यार इससे क्या चीज़ हो सकती है। तो मैंने जो है ये बांस को निकाल करके और इसे काट के, और मैं ये कुर्सी बनाने जा रहा हूँ। देखिए अभी तो काफ़ी इसमें कमियाँ हैं, तो इस कमियों को भी दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जैसे मित्रों आपने देखा तो इस प्रकार से ये काष्ठ कला से निर्मित बहुत सारी चीज़ें जो स्वयं से इन्होंने सीखी और बनाते हैं, बेड हो चाहे अलमारियाँ हो चाहे परंपरागत हमारे कृषि यंत्र हो, और भी बहुत सारी चीज़ें ये अपने हाथ से स्वयं बनाते हैं। इनकी अपनी मेहनत है, इनके हुनर को सलाम। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को सीखें और बताएं, इसका प्रचार करें, ताकि एक जो अपने आजीविका चलाते हैं मेहनत से, उनका कहीं से उनको आर्थिक सहयोग मिल सके। और धन्यवाद सभी का, आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और अन्य लोगों तक भी इस बात को पहुंचाएं। नमस्कार।